सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। देखते हैं तो वो तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल चल रहे थे पॉइंट्स हमारे। अब ये नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मार्केट। अब मैंने ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है 10,000 करोड़ रुपए हैं, तो एक जो है हमने सपोज जो है एक कंपनी एक सेक्टर में हमने इन्वेस्ट कर दिया 8,000 करोड़, दूसरे में हमने 12,000 करोड़। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं अमाउंट आरबीआई, और इसको कम भी कर सकता है। 10,000 करोड़ था, ठीक है, उसने 8,000 कर दिया एक सेक्टर में कि आप 8,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है आरबीआई, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं करते। तो यहाँ डायरेक्शन लगाते हैं, परसेंटेज नहीं दी जैसे उसमें रेपो रेट वगैरह थी क्वांटिटी में। इसमें क्या करता है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप यहाँ इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते और यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो इस सेक्टर में। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पर भी है 10,000 करोड़ है, तो ये तीन सेक्टर हैं, तीनों में 4,000 और यहाँ 2,000 थे। तो इसने बोला कि 1,000 यहाँ से कम करो, यहाँ 3 ही कर सकते हो और यहाँ पर भी 3 करना है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन जो लगाते हैं आरबीआई वो, जिससे कि जिस सेक्टर में ज़्यादा नीड है या जिस सेक्टर में ज़्यादा जो है मनी की ज़रूरत है उस सेक्टर में ज़्यादा मनी लग सके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई फिक्स अ क्रेडिट अमाउंट टू बी ग्रांटेड फॉर कमर्शियल बैंक। तो जो बैंक को है, कमर्शियल बैंक को कुछ रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप जो है लोन का अमाउंट इस वाले सेक्टर को ज़्यादा दोगे या दूसरे सेक्टर को कम दोगे, ठीक है। और कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है जिससे कमर्शियल बैंक जो है उनको इजीली लोन प्रोवाइड कर सके रैदर देन दूसरे सेक्टर को। क्रेडिट इज गिवन बाय द लिमिटेड द अमाउंट अवेलेबल फॉर ईच कमर्शियल बैंक। अब जैसे वो देखे कि इस वाले सेक्टर एक कोई सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं है या एजुकेशन वाले सेक्टर में बहुत ज़रूरत है, तो उस सेक्टर में ज़्यादा जो है मनी के लिए लोन के लिए कमर्शियल बैंक ज़्यादा मोटिवेट हो तो उसके लिए उन्हें बोलती है। और कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाती है कि आपको इसी में ज़्यादा इन लोगों को लोन देना है और दूसरे वाले सेक्टर को नहीं देना, तो वो क्या करती है उन सेक्टर में ज़्यादा काम करती है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। इन द इंस्ट्रूमेंट कंज्यूमर क्रेडिट सप्लाई इज रेगुलेटेड थ्रू द इंस्टॉलमेंट ऑफ सेल एंड हायर परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो ये क्या करती है, कंज्यूमर जो परचेज एंड सेल है इस पर भी कुछ क्या करती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे सपोज कि कोई पर्सन जो है प्रॉपर्टी के बिहाफ पे लोन लेने गया कि तो वो प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, तो बैंक पूरा 1 करोड़ नहीं देता, वो क्या करेगा 97 लाख या 90 लाख कुछ अमाउंट वो मार्जिन के तौर पे अपने पास रख लेता है। तो मार्जिन इज द डिफरेंट बिटवीन लोन वैल्यू द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो वो अपने पास मार्जिन के तौर पे उस अमाउंट को रख लेता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब मॉरल सक्सेशन, मॉरल का बेसिकली मीनिंग जो होता है वो मॉरल वैल्यू से होता है। तो यहाँ पर जो मॉरल सक्सेशन का मतलब है, मॉरल सक्सेशन रेफर टू द सजेशन टू कमर्शियल बैंक फ्रॉम द आरबीआई दैट हेल्प टू रेस्ट्रेनिंग क्रेडिट टू इन्फ्लेशन पीरियड। अब इन्फ्लेशन का पीरियड में जैसे कि एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे हैं और दूसरे सेक्टर में पैसे नहीं हैं, तो जिस सेक्टर में पैसे की कमी है उस सेक्टर में उस को उसकी सप्लाई हो सके, इसके लिए वो बैंक को कुछ रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप अब जो है जो लोन दोगे वो इसी सेक्टर को ज़्यादा दोगे, दूसरे सेक्टर को आप नहीं दोगे या कम दोगे, ठीक है। पर हमारा है फाइनल थॉट, मनी पॉलिसीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड एम टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग एंड क्रेडिट सप्लाई इन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में जो भी है मनी सप्लाई तो क्रेडिट कंट्रोल इजीली कर सके, तो आरबीआई इसलिए ये कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती है।